माफी मांगो। हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल? हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा है? माफी मांग ले हमारे से, बस माफी। हमने गुनाह किया, केजरीवाल माफी मांगे बस और कुछ नहीं। माफी मांगे, नागरिकता मिलना चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए केजरीवाल। माफी माफी मांगना चाहिए केजरीवाल, और गलत भाषा बोलता है। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की सैन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हक, हमारा हक क्यों छीन रहा है केजरीवाल? माफी मांग लो बस। मोदी जिंदाबाद है, मोदी जिंदाबाद। मोदी वापस लो, केजरीवाल अगर हिंदू हो तो अपना बयान वापस लो। वो दुनिया के लिए हिंदू है, दुनिया के लिए, पूरी दिल्ली के लिए पीएम है वो, हमारे लिए पीएम नहीं है। हरिओम, केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्याओं के कैंप पे वहाँ पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं, उनको मूलभूत सुविधा देते हैं। आज भारत सरकार ने जो बिगैर कागजों के आ रखे हैं उनको संरक्षण है, जो वीजा लेके आए हैं सब यहाँ पे, कानून भारत सरकार ने बुलाया, उनको नागरिकता मिलनी है, उनके हितों के लिए काम हो रहा है, तो केजरीवाल को पता नहीं क्या हो रहा है। डूब के मर जाना चाहिए इसे शर्मनाक बयान से, डूब के मर जाना चाहिए इसे शर्मनाक बयान से। Thank you.
क्या मांग नहीं मांग रहा था भाई, हमारे घर चाहिए, मकान चाहिए। उसके बाद अभी जो आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांग रहे हैं, केजरीवाल मांगेगा हम, ठीक है हम तो नहीं मांगेगा, हम तो इंडिया पाकिस्तान से आया हूँ, नहीं मांगे केजरीवाल अपना बयान वापस ले। आगे आगे से केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। ग्यारह मार्च 2013 से लेकर 12 साल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया है सीए के कानून को लेकर, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? उसने जो बयान दिया है घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ है। हमें इतना दुख हुआ है जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें चोर हमें घुसपैठिया हम क्या घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। अगर घुसपैठी हम होते तो ऐश करते हैं, इंडिया मुसलमान रह रहे उनके बारे में नहीं बोलते, बांग्लादेशी मुसलमान रहते उनके बारे में नहीं बोलते, जो हम हिंदू हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। यार प्लीज केजरीवाल को कहते हैं सर प्लीज इन बच्चों पे रहम करो, इन बच्चों मासूम बच्चों पे रहम करो जो पाकिस्तान में 70-70 साल के मुल्ला जो इनको जबरन धर्म परिवर्तन करा के इनसे निकाह करके ले जाते थे उन पे रहम किया जाए। प्लीज हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना बयान वापस ले।
हम पाकिस्तान से आए, हिंदू शरणार्थी हैं, ये जितने भी हैं पीड़ित होके आए हैं वहां से। कल भी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की दो बेटियां उठा ली गई हैं और उनको नागरिकता दे रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनको नागरिकता दे रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये लोग उनको नागरिकता देंगे तो ये डाकू बन जाएंगे, ये चोरियां करेंगे, बलात्कार करेंगे। आज तक हमने क्या किया बोलिए? 2011 से आए हुए हैं, हमें 12 साल हो गए दिल्ली में रह रहे हैं। हमने कोई ऐसी चोरी की हो या हमें कोई ऐसा वो कांड किया हो, हमें आके बता दीजिए कि ये आपने कांड किया है। हम जुमा आ रहे हैं, हमको सजा दो, हमको जेल में डाल दो, मगर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हम यही कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कि हमारे ऊपर इतना इल्जाम मत लगाइए, अपने जो शब्द हैं वो वापस लीजिए। हमारा कहने का यही है, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं, वो हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है, हम भी हम धन्यवाद, अपने शब्द वापस लीजिए बस। हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया उसने? इसलिए ये पूरा धरना इस बात पर है।